देखिए उत्तराखंड में जो पेपर लीक मामले में बात करें तो पेपर लीक मामले में भाजपा का नेता का नाम यहाँ सामने आ रखा है और कहा गया कि पटवारी लेखपाल भर्ती पेपर लीक मामले में जो है बता भाजपा नेता से यहाँ पर जो है जुड़ रहे हैं और ठोस सबूत जो है मिलने पर भाजपा नेता की गिरफ्तारी यहाँ पर हो सकती है बताया गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के यहाँ पर से 8 जनवरी को जो संपन्न हुई भर्ती परीक्षा, इसमें यहाँ पर जो भंडाफोड़ हो चुका है और कहा गया कि यहाँ पर जो भाजपा के नेता की संलिप्तता है इसमें। और वहीं रिमांड तो यहाँ पर जो है SIT ने अनुभाग अधिकारी से यहाँ पर जो पूछताछ किया और कौन थे मददगार करके यहाँ पर जो है इसकी जांच होनी है। संजय त्रिवेदी को रिमांड पर लेकर जो पूछताछ करेगी और वही यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आयोग में जो है कहीं और इसका जो है कोई मदद नहीं कर रहा है, इसको लेकर जो जानने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने यहाँ पर 2 दिन का यहाँ पर रिमांड मंजूर जारी कर दी है, तो रिमांड में ले लिया गया है 2 दिन के लिए और आयोग के कार्यालय में जहाँ पर जाएंगे उसके बाद यहाँ पर तथ्य जांचेंगे। और SIT ने जो है पॉलिटेक्निक शिक्षा जो यहाँ पर राजपाल वो उसके भतीजे जो संजीव कुमार उसके जो है 4 दिन रिमांड पर पूछताछ की थी और इसी आधार पर सोमवार को संजीव चतुर्वेदी को 2 रिश्तेदार SIT गिरफ्तार कर ले गए थे और बाकी यहाँ पर जो इसकी जाँच चली हुई है और आज यहाँ पर जो आयोग ले जाएंगे। तो यहाँ पर संजीव चतुर्वेदी को आज यहाँ पर आयोग में ले जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी और यहाँ पर कहा कि जेल से बाहर लाकर जो है उससे पूछताछ करने की जाएगी और अन्य आरोपी और यहाँ पर आयोग के मददगारों को लेकर जो है यहाँ पर जानकारी ली जाएगी। तो अन्य और आरोपी इनके साथ मिले हुए कोई है या नहीं है उसको लेकर जो है जानकारी प्राप्त की।